महामारी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बाजार समिति में भीड़ होती है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से कल से हरी सब्जी के थोक विक्रेताओं को बिहार शरीफ बाजार समिति के प्रांगण से दीपनगर स्टेडियम में शिफ्ट किया जाएगा। इस बाजार समिति के प्रांगण में सिर्फ फल, आलू एवं प्याज की ही थोक बिक्री होगी। फल एवं सब्जी के खुदरा विक्रेताओं के लिए रामचंद्रपुर बस स्टैंड रोड के एक लेन में बैरिकेडिंग लगाकर बिक्री की व्यवस्था की जा रही है। बाजार समिति के प्रांगण में किसी भी प्रकार के फल एवं सब्जी की खुदरा बिक्री की अनुमति नहीं होगी। बाजार समिति में जो सब्जी विक्रेता हैं, हरी सब्जी विक्रेता, उनको हम लोग दीपनगर शिफ्ट कर रहे हैं। खासकर जो खुदरा वैसे जो होलसेल विक्रेता जो सब्जी को खुदरा व्यापारी को बेचते हैं, वो सभी दीपनगर स्टेडियम से बेचेंगे। उसके लिए वहाँ टीम लगी है, सबको दुकान जगह अलॉट कर दिया जा रहा है। और वैसे खुदरा विक्रेता जो होलसेल से खरीदते सब्जी खरीदते थे, वो दीपनगर जाएंगे और दीपनगर सब्जी खरीदेंगे। बाजार समिति के अंदर कुछ फल और सब्जी बेचते थे रिटेल में, उनको बाहर में जो रोड है हमदरपुर का, वो रोड में बैरिकेटिंग करा के हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और कोई भी लोग जो है भीड़ भाड़ में न रहे, जो चाहे खरीदार या विक्रेता। ये जो बाजार समिति की जो समस्या है, उसको हम और SDO साहब ने बैठक कर लिए हैं, और जितने भी हरी सब्जी वाले हैं जो थोक विक्रेता हैं, उनको दीपनगर स्टेडियम शिफ्ट किया जाएगा। पहले ही से टेंट वगैरह सब बना है और आज सभी को जगह चिन्हित करके दे दिया जाएगा। और सुबह से ही हमारे फोर्स जो है कि बाजार समिति में रहेंगे 4 बजे से, और जितने भी सब्जी वाले का जो भी ट्रक आएगा या जो भी सामान आएगा, उनको दीपनगर स्टेडियम शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि कल से जो है कि दीपनगर स्टेडियम से ही जो भी खुदरा थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता है, वहीं से जाके सब्जी खरीदेंगे और अपनी जगह जगह चले जाएंगे। और जो बाजार समिति के अंदर जो खुदरा विक्रेता हैं, उन लोगों को जगह चिन्हित करके बाहर जो रामचंद्रपुर रोड है, उसी रोड में बैरिकेडिंग करके जगह चिन्हित करवाते हुए सभी को वहाँ पे बेचने को अनुमति दिया जाएगा, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है आदमी पालन करे। और जो लोकल लोग चले जाते थे बाजार समिति में सब्जी खरीदने, उनका भी रोक लग जाए। सर, बैरिकेडिंग का काम शुरू हो गया? हाँ, बैरिकेडिंग तो पहले दीपनगर स्टेडियम में था ही, वो सारे बन गए हैं और बैरिकेडिंग का काम आज से शुरू हो जाएगा, और सुबह सुबह तक सारे लोग को वहाँ एडजस्ट कर दिया। और भीड़ होगा तब? नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट। Nation24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल, और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल Nation24 के साथ। नमस्कार।